उत्तर प्रदेश के बरेली में बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की अनावश्यक राजनीति से प्रेरित कार्यवाही के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में चौकी चौराहे स्थित सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना दिया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी कार्य कर रही है। ईडी तथा भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रयास से पिछले लंबे समय से लगातार गांधी परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लंबे समय ईडी द्वारा परेशान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से ही। यही कारण है कि सोनिया गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही कारण है कि लगातार गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांधी परिवार का दामन पूरी तरह साफ है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नीतियों में हमेशा लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल देव शर्मा नाम है। क्या मामला है आज का? जी आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? इस धरना प्रदर्शन का महत्व ये है कि हमारी जो कप्तान है कांग्रेस की, श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी देश की कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो अपनी सही लड़ाई लड़ रही हैं। उसमें उनको बीच में ये जो मौजूदा सरकार है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता, ये स्वयं समझदार है, कितनी कैसी है, बुरी है, अच्छी, स्वयं इसका आंकलन करेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ईडी जो इनके पीछे लगाए गए हैं वो अपनी तरफ से नहीं लगाए हैं, दबाव में हैं। सोनिया जी एक महान नेता हैं और ऐसे परिवार से हैं जिसका कि कहना पूरा इंडिया नहीं पूरा भारत जानता है। ऐसी स्थिति में ये उनको परेशान करके ये चाहते हैं कि क्या नाम ये आगे कांग्रेस ना बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात पर जम गया है कि कांग्रेस आएगी और भी भाजपा जाएगी, ये मेरा कहना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।